हाय गाइस, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बहुत ही खूबसूरत सी अनारकली कुर्ती बना के दिखाई थी, जिसे मैंने 12 कली के प्लाजो के साथ स्टाइल किया था और ये मैंने सेम कपड़े से बनाया है। तो यदि आपने ये अनारकली कुर्ती की मेकिंग का वीडियो नहीं देखा है तो आप इसकी मेकिंग का वीडियो देख सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज मैं आपको बहुत ही ईजी मेथड से ये 12 कली का प्लाजो बना के दिखाने वाली हूँ, तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कली कट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर लिया है और न्यूज़पेपर को लेंथ में बढ़ाने के लिए मैंने दो पेपर को एक साथ जोड़ लिया है, जिससे कि इसकी लेंथ बढ़ गई है। सॉरी, यहाँ पे मेरे पास प्लेन पेपर नहीं है, इस वजह से मैं इस पर ही आपको बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कली की लंबाई ली है। तो कली को हम हमेशा फोल्ड पे कट करते हैं, तो इस वजह से मैंने पेपर को फोल्ड करके रखा है। अब सबसे पहले हम प्लाजो की फुल लेंथ लेंगे और उसमें से हम बेल्ट की चौड़ाई को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मेरे प्लाजो की जो लेंथ है वो 32 इंच है, उसमें से मैं बेल्ट की चौड़ाई माइनस कर रही हूँ। तो 2 इंच चौड़ा मैं बेल्ट लगाऊंगी तो यहाँ पे 30 इंच हो जाएगा। और फिर मैं 2 इंच इसमें वापस से ऐड कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं 1.5 इंच नीचे से फोल्ड करूँगी और आधा इंच ऊपर से सिलाई में दबेगा। तो इस तरह से मैंने पेपर को कली की लंबाई में कट कर लिया है। अब मैं फोल्ड साइड से कली की ऊपर की चौड़ाई ले रही हूँ। तो अब हम सबसे पहले नंबर ऑफ कली लेंगे। तो यहाँ पे मैं 12 कली का प्लाजो बना रही हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 6 कली एक पैर में है और 6 कली दूसरे पैर में है, तो इस तरह से टोटल 12 कली होती हैं। और इसकी कमर में मैंने इलास्टिक लगाई है और मैंने इसमें साइड से कोई ओपनिंग नहीं दी है, तो इस वजह से मैंने इसे थोड़ा सा लूज़ फिटिंग में बनाया है। और विदाउट इलास्टिक वाला प्लाजो भी होता है, जिसमें कि साइड से या फिर फ्रंट से जिप या फिर हुक लगाए जाते हैं, जिससे कि उसे ईजिली पहना जा सके। अब कली की ऊपर की चौड़ाई हमें किस तरह से लेना है उसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, जिससे कि आप किसी भी साइज़ का या फिर कितनी भी कली का प्लाजो ईजिली बना सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 6 कली के प्लाजो के लिए कली कट करना दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे नाप में वेस्ट राउंड है 34 इंच और हिप राउंड है 40 इंच। मैं यहाँ पे इलास्टिक वाला प्लाजो बना रही हूँ। तो इलास्टिक वाले प्लाजो के लिए जो हम कली की ऊपर की चौड़ाई निकालेंगे वो हम हिप राउंड से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम हिप राउंड में 2 इंच और ऐड कर लेंगे लूजिंग के लिए। तो यहाँ पे हिप राउंड 42 इंच हो जाता है, उसमें से हम 6 कली डिवाइड करेंगे, तो इससे हमें कली की ऊपर की चौड़ाई मिल जाएगी। तो 7 इंच को अब हम फोल्ड करके कट कर रहे हैं। तो कली की फोल्ड की चौड़ाई हम 3.5 इंच लेंगे और आधा इंच हम इसमें सिलाई के लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच लेकर ऊपर की तरफ निशान लगा दिया है। अब कली की जो नीचे की चौड़ाई होती है वो हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो जितनी कली की ऊपर की चौड़ाई है उससे चाहें तो हम डबल भी रख सकते हैं या फिर थोड़ी सी ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 6 इंच आ रही है, मतलब इसकी फुल चौड़ाई 12 इंच की होगी, तो हम इतनी भी ले सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कली की ऊपर की चौड़ाई ली है 4 इंच और नीचे की चौड़ाई ली है मैंने 6 इंच, और दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरह से हमें लाइन खींच देनी है। लाइन खींचने के लिए आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 कली के प्लाजो के लिए कली कट की है, मतलब 3 कली एक पैर में आएंगी, 3 कली दूसरे पैर में आएंगी। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। यदि आप बिना इलास्टिक वाला प्लाजो बना रहे हैं तब आपको कली की ऊपर की चौड़ाई निकालने के लिए कमर के राउंड में से नंबर ऑफ कली को डिवाइड करना होगा। मैं यहाँ पे हिप राउंड से इसे बना रही हूँ। अब मैं आपको 12 कली के प्लाजो के लिए कली बना के दिखाऊंगी। तो वापस से यहाँ पे मैं हिप राउंड में से नंबर ऑफ कली डिवाइड कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे 12 कली से डिवाइड करने पर 3.5 इंच आ रहा है, और इसका भी हम आधा करेंगे क्योंकि हम कली को फोल्ड करके कट कर रहे हैं। तो इसका आधा होगा 1.75 इंच, और आधा इंच हम इसमें फिर से ऐड करेंगे सिलाई के लिए। तो यहाँ पे मैं 2.25 इंच लेकर निशान लगा रही हूँ, और कली की जो नीचे की चौड़ाई है वो मैंने पहले जैसी रखी है, मतलब 6 इंच की, और फिर मैंने ऊपर वाले निशान को नीचे तक मिला दिया है और फिर इसे कट कर दिया है। तो इस तरह से 12 कली का प्लाजो बनाने के लिए एक कली तैयार कर ली है। अब मैं इसे कपड़े पर कट करूँगी। तो कपड़े पे किस तरह से कट करना है ये भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए। अब यहाँ पे ये जो कपड़ा है मैंने एक बार फोल्ड करके रखा है, तो ये लेंथ वाइज फोल्ड करने पर इसकी जो लंबाई आ रही है वो 32 इंच ही आ रही है। कहीं कहीं से इसकी लंबाई थोड़ी सी कम है क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा तिरछा है, तो उसे मैं अभी कट नहीं कर रही हूँ, वो मैं बाद में ही कट कर दूँगी। तो अब मैंने सेल्वेज से लगाते हुए कली को इस तरह से रखा है, और यहाँ पे हमें केवल एक ही तरफ से कली को शेप देना है। तो सेल्वेज साइड से हमें शेप नहीं देना है, केवल एक तरफ से शेप देते हुए निशान लगाना है। तो इस तरह से दो कलियों के निशान लग गए हैं क्योंकि कपड़ा डबल में है। और अब हम फिर से कली कट करेंगे, तो अब हम कली को पलट के रखेंगे।
तो इस तरह से कली काटने पर कपड़ा कम लगता है, कपड़ा वेस्ट नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 3 बार कली की मार्किंग कर ली है और मैं इसे कट कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे प्लाजो की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट रख रही हूँ, थोड़ा सा एंकल लेंथ मुझे पहनना है। यदि आप लंबाई बढ़ाना चाहें तो आप कली की लंबाई बढ़ा सकते हैं और फिर उस हिसाब से आप कपड़ा ले सकते हैं। और इस तरह का प्लाजो बनाने में कम से कम 3 मीटर का कपड़ा लगता है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो सेल्वेज साइड कलियाँ हैं वहाँ पर मैंने केवल एक ही तरफ शेप दिया है और सभी कलियों की लेंथ मैंने बराबर कर ली है, क्योंकि कपड़ा एक जैसा नहीं था, छोटा बड़ा था, तो मैंने लेंथ बराबर कर ली है। अब यहाँ पे मैं साइड वाली कलियाँ कट करूँगी। अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब हम कली वाला प्लाजो बनाते हैं तो हमें 4 कलियों को केवल एक साइड से शेप देना है। तो मैंने यहाँ पे 4 कलियों में सेल्वेज साइड से शेप नहीं दिया है। तो अभी हमारी 8 कलियाँ कट हुई हैं, 4 कलियाँ सेल्वेज साइड से और 4 कलियाँ बीच से। अब हमें 4 कलियाँ और कट करना है। तो बाकी की कलियाँ कट करने के लिए मेरे पास लंबी लंबी पट्टियाँ हैं, उनमें से ही मैं कली कट करूँगी। अब यहाँ पे भी कपड़ा एक बार फोल्ड करके रखा है, तो मैंने कली की लंबाई में इसे कट कर लिया है और फिर से एक बार इसे कट कर लिया है, क्योंकि हमें 4 कलियाँ कट करनी है। लेकिन जब आप बाकी की कलियाँ कट करेंगे तो आपको कली को इस तरह से उलट पलट के रखकर कट करना है। तो अब मैं इस तरह से 4 कलियाँ और कट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे 12 कलियाँ कट कर ली हैं। अब हमें कली को किस तरह से जोड़ना है, तो उसके लिए हम कली को इस तरह से रखेंगे कि हमें बाद में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि कलियाँ गलत जुड़ जाती हैं। तो अभी मैंने इस तरह से इनको रखा है। आप देख सकते हैं कि जो सेल्वेज वाली कलियाँ हैं वो मैंने अपने साइड रखी हैं, उसके बाद 4 कलियाँ रखी हैं और फिर से 4 कलियाँ रखी हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली लेयर की कलियाँ जोड़ेंगे। तो ऊपर वाले कपड़े का जो उल्टा भाग है वो ऊपर की तरफ है, तो मैंने इस तरह से सेफ्टी पिन से अटैच कर लिया है और तीनों कलियों को सेट कर लिया है। तो बाद में मैं इन पर सिलाई लगा दूंगी। और अब इस तरह से नीचे वाली जो कलियां हैं उन पर मैं सेफ्टी पिन लगा रही हूँ। तो आपस में इस तरह से कलियों को जोड़ते जाना है। तो चारों लेयर की कलियां जोड़ने के बाद हमें 4 पार्ट मिल जाएंगे। तो कभी भी आप कलियाँ जोड़ते हैं तो आप पहले ही सेफ्टी पिन से उसे इस तरह से अटैच कर लें, ताकि जोड़ते समय कलियाँ यहाँ वहाँ ना हों। अब मैंने यहाँ पे सभी कलियों में सिलाई लगा ली है और 4 पार्ट रेडी कर लिए हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे 2 पार्ट रखे हैं, दोनों का सीधा साइड अंदर की तरफ रखा है। अब हम इसका क्रॉच कट करेंगे। तो अब ये बिल्कुल नॉर्मल प्लाजो की तरह कट हो सकता है। तो अभी मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देती हूँ। इसके पहले भी मैंने आपके साथ प्लाजो का वीडियो शेयर किया है, आप चाहें तो वहाँ से देख कर भी क्रॉच कट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे बाकी के 2 पार्ट भी ऊपर रख लिए हैं और इन दोनों का भी सीधा साइड अंदर की तरफ है। तो सबसे पहले हम नीचे से थोड़ा सा शेप दे देंगे, क्योंकि कहीं कहीं कली बाहर निकल रही है तो हो सकता है कटने में थोड़ी सी तिरछी कट हो जाती है, तो इस वजह से मैं इसे कट कर रही हूँ। अब हमें फुल क्रॉच नापना है। तो जहाँ से हमें पैंट पहनना है तो वहाँ से आगे से पीछे तक इंची टेप को इस तरह से लेके हमें नापना है। तो यहाँ पे मेरा राउंड आ रहा है 28 इंच। तो यहाँ पे फुल क्रॉच है 28 इंच, हाफ क्रॉच है 14 इंच। और अब क्रॉच लेंथ निकालने के लिए हम इसमें से 2 इंच बेल्ट का माइनस करेंगे, तो ये होता है 12 इंच। और अब आपको याद होगा कि मैंने जो सेल्वेज साइड से कलियां कट की थी, तो इसी वजह से मैंने एक्स्ट्रा कट की थी, क्योंकि यहाँ से ही हम क्रॉच बनाते हैं। तो अब यहाँ सेल्वेज साइड से मैंने 3 इंच अंदर एक निशान लगाया है और अब हमारी जो क्रॉच लेंथ है वो 12 इंच है। लेकिन हम इसमें गोलाई में नीचे से शेप देते हैं तो लगभग 2 इंच का हम शेप देते हैं, तो इस वजह से मैं 2 इंच और कम कर रही हूँ लेंथ में से। तो इस तरह से मैंने क्रॉच लेंथ 10 इंच की ली है और ये शेप दे दिया है। अब हम ऊपर के 2 पार्ट को आगे के क्रॉच में कन्वर्ट करेंगे। तो आगे का जो क्रॉच होता है वो लगभग 1.5 या 2 इंच छोटा होता है पीछे वाले क्रॉच से। तो ऊपर वाले 2 पार्ट को हम थोड़ा सा तिरछा कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं क्रॉच के नीचे से मैंने तिरछी लाइन खींची है, जो कि मैंने 1 इंच अंदर खींची है। तो पहले तो मैंने यहाँ पर नॉर्मली क्रॉच कट कर लिया है, अब यहाँ पर जो तिरछी लाइन खींची है उसको मैं कट करूँगी। तो केवल 2 पार्ट में ही कट करना है। अब थोड़ी सी लंबाई में ऊपर से भी कट करूँगी, जिससे कि आगे का क्रॉच थोड़ा सा कम हो जाए। वैसे तो आप चाहें तो आगे और पीछे का क्रॉच बराबर भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ से देख सकते हैं ऊपर से भी मैंने 1 इंच तिरछा कट देते हुए इसे शेप दे दिया है। अब एक बार हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो क्रॉच है वो बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मुझे 28 इंच चाहिए है, तो बेल्ट तक का मिला के यदि मैं इसको बनाऊँगी तो ये पूरा नहीं आ रहा था, तो इस वजह से मैंने नीचे से थोड़ा सा और कट कर दिया है। तो अब मैं इसे नाप के देख रही हूँ तो ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा।
अब जो बड़ा वाला क्रॉच है वो हमारा बैक पार्ट है और जो छोटा वाला क्रॉच है वो हमारा फ्रंट पार्ट है, तो आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब हम दोनों क्रॉच पर सिलाई लगाते हुए फ्रंट और बैक पार्ट तैयार कर लेंगे और फिर दोनों को एक के ऊपर एक रख के साइड वाली सिलाई लगा लेंगे और फिर बीच की सिलाई लगा देंगे। और इस तरह से जोड़ने से पहले आप चाहें तो एक बार प्रेस ज़रूर कर लें ताकि जो कलियों का मार्जिन है वो एक तरफ आ जाए। तो अब देखिए मैंने साइड और बीच की सिलाई लगा ली है, नीचे से भी मैंने इसे फोल्ड कर दिया है और इसमें मैंने लेस लगा दी है। जो लेस मैंने कुर्ती में लगाई थी वही मैंने इसके बॉटम में लगा दी है। अब मैं इसका बेल्ट बनाऊंगी। तो अब यहाँ पे जो प्लाजो का ऊपर का राउंड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर बेल्ट का राउंड कट कर लिया है और इसे मैं जोड़ लूँगी क्योंकि ये दो भाग में है। तो अभी मैंने इसकी जो चौड़ाई ली है वो 4.5 इंच की ली है, तैयार चौड़ाई इसकी 2 इंच की आ जाएगी। और इसको मैंने साइड से जोड़ने के लिए भी एक्स्ट्रा लिया था, तो अब मैंने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे साइड से इसमें जोड़ लिया है और अब मैं इसे अंदर से बाहर की तरफ पलट के फोल्ड करते हुए फिर से सिलाई लगा दूंगी और थोड़ा सा खुला रखूंगी ताकि मैं इसमें इलास्टिक डाल सकूँ। यदि आपको ये डिटेल में देखना है तो आप मेरा पहले वाला प्लाजो का वीडियो देखिएगा, वहाँ पर मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया है। अब जो भी आपकी कमर का राउंड है उससे लगभग 5 से 6 इंच कम इलास्टिक लेकर इसमें डाल लेना है। और यदि आपकी इलास्टिक ज़्यादा लूज़ या टाइट है तो आप अपनी इलास्टिक के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। फिर इसमें डालने के बाद इलास्टिक एक जैसी रहे, कहीं से मुड़े ना, और फिर दोनों किनारों को मिलाते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। और फिर पूरी इलास्टिक को अंदर करने के बाद जो खुला हुआ पार्ट है उस पर भी सिलाई लगा देनी है और फिर इलास्टिक को खींचते हुए सभी जगह कपड़े को बराबर करते हुए इलास्टिक के ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से ये प्लाजो बनके रेडी हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि जो क्रॉच है वो भी पीछे की साइड ज़्यादा है और आगे की साइड कम है। आप चाहें तो डिफरेंट कलर के कपड़े से कमर पे छोटा सा टैग लगा सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि पीछे का क्रॉच कौन सा है। तो अब मैंने इसे एक पेपलम टॉप के साथ पहना है, ये मेरे पास एक पेपलम ब्लाउज़ है तो इसके साथ भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसे क्रॉप टॉप के साथ भी पहन सकते हैं या फिर इसे कोई प्लेन स्ट्रेट कुर्ती के साथ भी पहन सकते हैं। तो मेरे पास कली वाले और भी प्लाजो हैं तो उनको मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। तो अभी मैंने इसी के साथ की अनारकली कुर्ती के साथ इसे पहना है, तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर सेट यहाँ पर बन गया है। और इस तरह की ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं और आप अपने घर में ही इस तरह की ड्रेसेस लो बजट में बना सकते हैं। और ये ड्रेस बनाने के लिए आप चाहें तो अपनी पुरानी सिल्क की या फिर कॉटन की साड़ी का भी रीयूज़ कर सकते हैं। और इस दुपट्टे को मैंने पुरानी साड़ी में से बनाया है और इस ड्रेस और दुपट्टे में मैंने सिल्वर गोटा लगाया है, तो इस वजह से मैंने इसके साथ सिल्वर ज्वेलरी पहनी है। अब मेरे पास एक बहुत ही पुराना ऑफ वाइट कलर का दुपट्टा पड़ा था तो इसमें भी मैंने सिल्वर गोटे की लेस लगा दी है, तो इससे ये थोड़ा सा नया हो गया है और इस ड्रेस के साथ ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।